ए बाबू क्या हुआ? ओ साहब, मैं कह रहा था टाई लंबी कर दी है। क्या बांधा था इसने? शादी के लिए बांधा था। किसकी शादी? श्रुति मेम साहब की। अच्छा, तो ये श्रुति का पति है? क्या बकवास कर रहा तू? मरवाएगा क्या? अरे वो चिल्ला चिल्ला नहीं कह रहा था मैंने बांधा है, मैंने बांधा है। बांधे का मतलब शादी का मंडप बांधा उसने, कोई मंगलसूत्र नहीं। क्या ये मंडप है? मैंने तो सोचा घर है। तुम्हारे गांव में ऐसे घर होते हैं साला डोंकी? ये घर नहीं, महल है। बड़े साहब का हुक्म था कि इस घर को आलिशान महल की तरह सजा दो। श्रुति मेम साहब की शादी है ना? शादी कब है? तारीख तो कब की निकल गई, जिस दिन शादी थी ना उसी दिन शादी टूट गई। शादी के ही दिन शादी टूट जाना कितने दुख की बात है। इसी मंडप में शादी टूटी थी और इसी मंडप में शादी होगी, ये कसम खाई थी मंगल ने इसी मंडप में। मेरे इजाजत के बगैर वो कौन होता है कसम लेने वाला मेरे मंडप में? अबे कसम क्या तेरे से पूछ कर लेगा वो, ज्यादा बड़बड़ मत कर, भाड़ा तो तुझे मिल रहा है ना। देखो सेठ जी, फंसाओ मत मुझे। पहले ही 2-3 शादी और एक मंदिर का त्योहार, इन सब का एडवांस ले चुका हूँ। ये मंडप खोलकर मुझे उधर लगाना है। अगर तूने इस मंडप को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। मजाक कर रहे हो या सच बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ। तो फिर ठीक है, बाकी ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, और हाँ, अगर उस लड़की की शादी कभी नहीं हुई तो भगवान के लिए ये मत कहना कि इस मंडप को उसकी शादी के स्मारक के तौर पे छोड़ दो। अरे जब मंगल भैया ने कसम खाई तो घर के हर आदमी ने कसम खा ली कि जब तक श्रुति मेम साहब की शादी नहीं होगी तब तक घर में कोई दूसरा आदमी शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो अच्छा हुआ, नहीं तो शादी कपड़े धोते धोते मैं शादी के लायक नहीं रहता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये शादी किसी भी हालत में होनी चाहिए, नहीं तो मेरी शादी कब होगी? तुम्हारी उम्र के हिसाब से इस घर में एक ही तुम्हारे लायक औरत है, वो मुच्छड़ की बीबी। लेकिन उसके लिए तुम्हें उस मुच्छड़ को रास्ते से हटाना पड़ेगा। ए, बकवास बंद कर रहा। मेरी तो वो रूपा। रूपा? ए रूपा के बनियान से शादी करेगा तू? अबे चुप, वो बनियान नहीं है, वो तो घाघरा चोली है जो रसोई घर में चप। अरे जिसने तेरी पिटाई की थी। ए, क्या मारा? हेटर बंद कर, मेरा ड्रिंक बना। ये चिल्ला में बना रहा हूँ, बात मत कर। लगता है मुझे आज बहुत चढ़ गई है, इसीलिए मुझे अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अरे छोटा चेतन, या तो तू पी या तो फिर तू सो जा। मैं सो जाता हूँ। Hey, सो जा। क्या हल्ला हो रहा है? चुप कर कुत्ते, सो जा। Hey! साला इधर कोई है नहीं मेरी बात सुनने वाला। अरे मुझे बोलना है, इतने महीने से मैंने अपनी आवाज नहीं सुनी है। अरे कोई है क्या?